और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, चुनाव को देखते हुए हरियाणा में बुर्का घूंघट वाले वोटर्स की जांच होगी। मतदान केंद्रों पर आंगनवाड़ी वर्कर और दाई, ये उनका चेहरा और उनको देखेंगी। हैदराबाद में माधवी लता केस के बाद ये फैसला लिया गया है। फेक वोटिंग को लेकर ये मांग उठाई गई थी, बीजेपी ने मांग उठाई थी, लिहाजा आंगनवाड़ी वर्कर्स और दाई बुर्का और घूंघट वाली महिलाओं का चेहरा जांचेंगी। फेक वोटर्स को देखते हुए इस तरीके की मांग उठाई गई थी, लिहाजा हरियाणा में वोटिंग के दौरान ऐसा आंगनवाड़ी वर्कर्स और दाइयां करेंगी। हरियाणा में चुनाव 25 मई को है। हैदराबाद में बीजेपी की माधवी लता के नकाब विवाद के बाद हरियाणा में भारतीय चुनाव आयोग अलर्ट हो गया है। आयोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा नशीन वोटर्स का वेरिफिकेशन कराएगा। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर और असिस्टेंट नर्स यानी दाइयों को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। ये ग्रामीण अंचलों में बूथों के लिए नियुक्त की जा रही हैं, जहां हिंदू महिलाओं का घूंघट और मुस्लिम महिलाओं का बुर्का पहनना एक आम बात है। इन वोटरों की पहचान उनके चेहरे से मतदाता पहचान पत्र का मिलान कर वेरिफिकेशन करेंगे। आयोग के अधिकारियों का इस फैसले का उद्देश्य 25 मई को वोटिंग के दौरान किसी भी फेक वोटिंग को रोकना है। हरियाणा के नू में बीजेपी की जिला इकाइयों ने वहां इस तरह के प्रावधान की मांग रखी थी। राज्य में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत के लिए जाना जाने वाला नू फर्जी मतदान के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। लिहाजा बुर्का नशीन महिलाएं या घूंघट ओढ़ी महिलाओं की जांच के लिए आंगनवाड़ी वर्कर महिलाएं या असिस्टेंट नर्स, जिन्हें दाई कहा जाता है, उनको नियुक्त किया जाएगा। वो पहचान पत्र के साथ चेहरे का मिलान करेंगी। मतदान केंद्रों पर ग्रामीण अंचलों में ऐसे वर्कर तैनात किए जाएंगे या की जाएंगी, और इनको नियुक्त किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर होंगी और उनके साथ असिस्टेंट नर्स यानी दाइयां होंगी, जो कि इन महिलाओं का चेहरा उनके पहचान पत्र से मिलाएंगी।